श्रोताओं आज की पहेली पूछी है श्रीमती कलाबाई ने और इनकी पहेली इस प्रकार है। सगाई हुई मुनि की कन्या नाग ने रस लई, उस ऋषि का नाम बताओ जिसने आधी उम्र दई। बहुत ही सुंदर पहेली जिसमें पूछा गया है कि वह ऋषि कौन था जिसने अपनी पत्नी के लिए आधी उम्र दे दी थी। तो श्रोताओं आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर चैनल। अब मैं आपका बिना कोई समय बर्बाद किए हुए डायरेक्ट आपको ले चलता हूँ देवी भागवत पुराण की तरफ। ये कथा हमें देवी भागवत पुराण में उपलब्ध हुई और प्रसंग उस समय का है जब राजा परीक्षित ने एक ऋषि था उसके गले में सांप डाल दिया था। तो उसके पुत्र ने श्राप दे दिया कि तुझे 7 दिन के अंदर अंदर तक्षक सर्प खा जाएगा। ये श्राप राजा के लोगों ने राजा को जाके बता दिया। राजा चिंतित हो गया, मुनि का श्राप कभी खाली नहीं जाता, निश्चित ही मेरी मृत्यु होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि कुछ ना कुछ उपाय करने चाहिए। तो परीक्षित जी कथा सुनाते हैं, कहते हैं कि एक समय की बात है, एक मुनि थे रूरु। तो उस रूरु जो मुनि थे वो नई उम्र में ही थे, एक लड़के के ही रूप में थे। तो एक दिन वो एक स्थूल केश ऋषि की कन्या को देखते हैं। एक स्थूल केश नाम का ऋषि था, उसकी कन्या को देखते हैं और उस कन्या पर वो मुग्ध हो जाते हैं और घर आकर के उदास हो जाते हैं। अपने आश्रम पर आए और उदास हो गए। उसकी उदासी उसके मुनि पिता से सहन नहीं हुई और बोले, बेटा तू इतना उदास क्यों है, तेरा उदासी का कारण क्या है? तो वह बोला, पिताजी मुझे स्थूल केश ऋषि के आश्रम की कन्या पसंद आ गई है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। अब उसका पिता बोला, ठीक है मैं अभी जाता हूँ, तू चिंता क्यों करता है, और तेरे बारे में बातचीत करूंगा और येन केन प्रकार मैं स्थूल केश ऋषि को निश्चित ही मना लूंगा। तो वो मुनि जो था रूरू के पिता, वो स्थूल केश ऋषि के पास गए और उनसे याचना की और अपने लड़के रूरू के लिए मनाया। तो वह ऋषि मान गया और वह कन्या भी मान गया। श्रोताओं जब वह मान गए तो अब शादी की तैयारियां होने लगी। बड़ी धूमधाम से शादी की तैयारियां हो रही थी, लेकिन दुर्भाग्यवश एक सर्प उस कन्या के आश्रम में आया और आलस्य में पड़ा हुआ था। कन्या सुबह झाड़ने के लिए आश्रम को गई तो सर्प ने उसे डस लिया। सर्प ने जब डस लिया तो कन्या के मुंह में झाग गए और स्थूल केश ऋषि जोर जोर से रोने लगा, अरे ये कन्या मुझे प्राप्त हुई लेकिन ये मर गई, क्या करूं? इसका पता उसके होने वाले पति रूरू को भी चला। जैसे ही रूरू को चला तो रूरू वहीं पहुंच गया आश्रम पर और जोर जोर से रोने लगा कि अब मेरा क्या होगा, अब मेरा जीवन व्यर्थ है, बिना पत्नी के जीना तो संसार में कोई जीना ही नहीं होता है, इसलिए मुझे बहुत अधिक दुख लग रहा है, अब मैं प्राणों को त्यागूंगा, मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा कोई उपाय नहीं है और मैं दूसरी कन्या से भी शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसको ही पत्नी मान चुका था, इसलिए अब मैं किसी दूसरी कन्या से शादी नहीं करूंगा और मैं मेरे प्राणों को त्याग दूंगा। अब वो रो रहा था, उसको जैसे वैसे करके मुनियों ने उस कन्या से अलग किया। लेकिन अब रूरू जो था, रूरू नदी के तट में स्नान करके
और जल को हाथ में लेकर के बोला, यदि मैंने जो कोई भी अच्छा कर्म, पुण्य कर्म, भक्ति, ईश्वर का भजन, जो भी कुछ मैंने किया है, तो हे प्रभु, हे भगवान, मेरी इस होने वाली पत्नी को जीवित कर दो, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा। श्रोताओ, जैसे ही उसने उस जल को धरती पर पटका, तो एक देवदूत आया। स्वर्ग से एक देवदूत उतर करके आया और देवदूत बोला, रे मूर्ख मुनि, तू क्यों पागल होता है? आखिर तेरी अभी इसके साथ शादी थोड़ी हुई है, तुझे दूसरी कन्या मिल जाएगी। दिक्कत क्या, कहां हो रही है? क्यों मरने जा रहा है? क्यों आत्महत्या कर रहा है? तो वह बोला, रूरू मुनि बोले, नहीं, मुझे शादी करनी है तो इसी कन्या के साथ करनी है। उस कन्या का नाम परमदरा था। मुझे शादी करनी है तो परमदरा के साथ ही करनी है, अन्यथा मैं शादी नहीं करूंगा। श्रोताओ, अब मुनि ज्यादा हट पकड़ गया, तो अब उसी समय जो परमदा नाम की कन्या थी, उसके असली पिता थे विश्वासु ऋषि। विश्वासु ऋषि भी स्वर्ग से उतर करके वहीं आ गए कि हाय, मेरी कन्या कैसे मर गई। अब श्रोताओ, बोगो, विश्वासु ऋषि की कन्या कैसे थी, मैं आपको ये बताता हूं कि वो विश्वासु की कन्या कैसे हुई। तो एक बार की बात है, विश्वासु ऋषि एक नदी के किनारे स्नान कर रहे थे। उसी नदी में एक मेनका नाम की अप्सरा आई और वो अप्सरा भी स्नान करने लग गई। ऋषि का दिल उस मेनका नाम की कन्या, जो मेनका नाम की अप्सरा थी, उस पर आ गया। ऋषि ने मेनका नाम की कन्या के साथ समागम किया। अब मेनका गर्भवती हो गई थी, लेकिन जब वो स्वर्ग को गई तो 8-9 महीने बाद जैसे ही स्वर्ग को वो पहुंची, तो उससे पहले उस प्रसव का जन्म उसने स्थूल के ऋषि की कुटिया के पास दिया था, और वहां जन्म देकर के वह उस लड़की परमदरा को छोड़ के चली गई थी। तो असली पिता उसके विश्वासु मुनि थे। विश्वासु मुनि आ गए, अब उसको खूब समझाया देवदूत ने और विश्वासु मुनि ने, लेकिन वह नहीं माना। अब दोनों की दोनों धर्मराज के पास गए। धर्मराज से बोले, आप इस कन्या को जीवित करते हैं, अन्यथा इसकी मृत्यु लिखी नहीं है, जरूर की ये भी मर जाएगा। धर्मराज ने कहा, यदि ये रूरू मुनि अपनी आधी उम्र इस परमदरा को दे दे, तो निश्चित ही परमदरा जीवित हो जाएगी। देवदूत और ऋषि, आप जाओ और उससे कह दो। अब दोनों की दोनों वहां से पुनः रूरू ऋषि के पास आए और रूरू ऋषि से बोले कि आप ऐसा करें, आपकी आधी उम्र अपनी होने वाली पत्नी को दे सकते हो क्या? ऋषि रूरू बोले, मैं देने को तैयार हूं और मैं दे दूंगा। तो देवदूत बोले कि अभी दे दो। रूरू ऋषि बोले, मैंने दे दी। जैसे ही ये शब्द रूरू ऋषि ने बोले, तो कन्या जीवित हो गई, और उसके पश्चात रूरू ऋषि और स्थूलकेश ऋषि की उस कन्या परमदरा की शादी हुई और दोनों बड़े प्रेम से रहने लगे। श्रोताओ, हमारी पहेली यही आकर लगती है। हमारी जो ये पहेली है वो इसी जगह पर आकर लगती है। सगाई हुई मुनि की कन्या नाग ने डस लई। सगाई हुई मुनि की कन्या नाग ने डस लई। उस ऋषि का नाम बताओ जिसने आधी उम्र दई। तो श्रोताओ, वो कन्या थी प्रेमदरा। उसके पालक पिता थे स्थूलकेश ऋषि।
असली पिता थे विश्वासु मुनि, माता का नाम था मेनका और उसकी शादी होने जा रही थी जो रूरु ऋषि थे उनके साथ। और उसको जैसे ही नाग ने डसा तो वो मर गई थी और रूरु ऋषि ने उसके लिए अपनी आधी उम्र दी और उसके बाद वो जीवित हुई। तो उस ऋषि का नाम बताओ जिसने आधी उम्र दी, वो रूरु ऋषि थे जिसने अपनी होने वाली पत्नी को आधी उम्र दी थी, फिर वो उसकी पत्नी बन गई। श्रोताओं अब हम आपसे लेते हैं विदा, बोलो जय श्री राम।